हाय दोस्तों, मैं ऑन सेट हूँ, मैं सेट पे हूँ और मैंने अभी सीन कर लिए हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पे, इसलिए मैंने कॉस्ट्यूम वाले को ड्रेस दे दिया ऊपर वाला। तो बहुत जल्दी हम लोग सुबह 6 बजे आए हैं शूटिंग करने। अभी 11 बज रहा है, हमने बहुत सारे सीन्स कर लिए हैं, जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरा कर लिया। अभी गाने की शूटिंग है, गाना होने वाला है अभी। और मैं अभी हूँ यहाँ पे, डांस मास्टर जी आ गए हैं, गाने की शूटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा यूनिट है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। एक गार्डन है, बहुत बढ़िया आ रहा है। सोनू मास्टर जी हमारे, मास्टर जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। गाना है, अभी गाना करेंगे, गाने में बजा देंगे क्या? नहीं बजा दूंगा। हाँ, ये नचाने वाले हैं, ठेला सज गया है। रवि सर हमारे, देखो रवि सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, सुबह से 3 सीन हो गया, बहुत एनर्जी में आप लोग किया, बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा। अब हम लोग गाना स्टार्ट करेंगे। मैं डिस्टर्ब था इसलिए सारे लोग डिस्टर्ब थे। चंदन जी इधर आइए। सीन मैं अच्छा सीन नहीं किया, इन्होंने बहुत अच्छा किया और मैंने उससे भी अच्छा किया। अरे और इन्होंने इससे भी अच्छा किया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे गाइड किया। मैंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने वो तो ऑलवेज। क्या है, क्या है ये लाइव नहीं है, ये एक 5 मिनट का ब्लॉग जो यूट्यूब पे डालते हैं, उसमें ब्लॉगिंग करता हूँ मैं। और आपका ब्लॉगिंग तो आपका स्वागत है इसमें। मैं ये पूछना चाहूँगा, हम लोग कई दिन से यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, तो आज का जो ये गार्डन माहौल और आज जो अभी सुबह से जो एनर्जेटिक एकदम चीजें माहौल आपने देखा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मौसम का असर है। ये आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि धूप नहीं निकली है, बारिश भी नहीं हो रही है, तो माहौल बहुत अच्छा है। और फिल्म का नाम है जबरिया फेरे। एक ही बात, तो जबरिया फेरे जो है वो फिल्म का बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। जबरिया फेरे सुन के थोड़ा अजीब लगता होगा कि जबरदस्ती वही है। हाँ। ये जबरदस्ती वाला मैटर है, ये बहुत क्लियर शॉट में हम लोग क्या बताएं, ये फिल्म को देखना पड़ेगा। नहीं, मैं बता देता हूँ। हमारे डीओपी सर भी आ गए हैं। जबरिया, देखिए हमारे डीओपी सर है। जबरिया फेरे का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको सिनेमा देखने के बाद पता चलेगा। वो कह रहा है वो मैं बता देता हूँ, सब कुछ जबरिया हो रहा है। जबरिया सुबह उठा देते हैं, जबरिया सुबह शूटिंग शुरू कर देते हैं, जबरिया शुरू करके बाद जबरिया फेरा, जबरिया लेट नाइट तक शूटिंग नहीं करते, नहीं करते, जबरिया जल्दी पैकअप करते हैं। लेकिन सब अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन सब जबरिया कर रहे हैं। ठेला पीछे आ गया है। हाँ, तो पानी पूरी 6 का आना था, जबरिया 12 खा रहे हैं। तो हर चीज जबरिया है। और ये हमें जबरदस्त कैमरामैन, ये भी जबरिया फिल्म करना है, ये भी जबरिया लाए गए हैं। नहीं सर बोलेंगे क्या बोलेंगे? सर साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तेलुगु भाषी हैं, लेकिन हम लोग के सिनेमा में ऐसे मर्ज हो गए हैं कि अब धीरे धीरे ये भोजपुरी बोलने लगे हैं। सर भोजपुरी में एक डायलॉग बोलेंगे, ठीक बा थैंक यू सो मच, यहाँ सब कुछ ठीक बा। तो अब देखिए ये लाल ये क्या है पता है आपको? ये गाड़ी सजाया गया है, ये सजाया इसलिए गया है क्योंकि इस पे होने वाला है गाना। और अभी ठीक बा सर ने बोला है तो सब कुछ ठीक बा। मैं जा रहा हूँ, अभी जाते जाते मैं मास्टर जी से पूछ लूंगा कि मास्टर जी किसका नचाने वाले हैं आप? अभी मैं गौरव जी और रक्षा जी का गाना करना। क्या बात, जो एक गोलगप्पे के मार्केट का गाना है। गोलगप्पे से मेरे को याद आया, उसमें साला एक भी गोलगप्पा आज बजेगा नहीं, मतलब। कल भी ये गाना का कुछ पार्ट हुआ, तो कल से ही लोग खा रहे हैं गोलगप्पे, खा खा के मजे ले रहे हैं। क्या बात है, मास्टर जी ने बहुत सारे गाने हम साथ में किए हैं, बहुत दिन से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, मजा आता है, थोड़ा एनर्जी करते हैं। इनसे मैं कुछ सीखता हूँ, जूता पहनना, पैजामा, बहुत सारी चीजें आप इनका देखें डिफरेंट लगेगा। तो मैं इनसे सीखता रहता हूँ कि क्या पहनना है मेरे को। मैं तो खैर प्रोडक्शन का कपड़ा पहन के घूमता रहता हूँ, देख लीजिए आप, सब कुछ प्रोडक्शन का है हमारे पास। तो मास्टर जी ऑल द बेस्ट, आप गाना कीजिए और मेरा छुट्टी हो गया, मैं सीन कर लिया हूँ खत्म। तो फाइनली मैं अभी सीन खत्म कर लिया हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी होटल। आपको मैं सेट पे बोला था, सेट पे आऊँगा, सारी चीज़ें दिखाऊँगा। हमारे बहुत प्यारे किशन भाई कैमरा को कंधे पे लेके आ रहे हैं, बहुत सारा बोझ है आप देख लीजिए, इतना मेहनत करते हैं ये किशन भाई हैं। ओहो, क्या बात है, थोड़ा वजन रहता है ये, मगर एक्सरसाइज करते रहते हैं, इनका बॉडी देख के बता सकते हैं। लाइट देता हमारे बहुत मेहनत करते हैं, देखिए ऐसे बहुत हैवी लाइट उठाना पड़ता है। और स्पॉट दादा हमारे, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से फिल्म बनती है मेरे दोस्तों। तो जब भी कोई भी फिल्म आए आप उसको जाके देखें और उसको प्यार दें, क्योंकि आप ही लोग के प्यार से हम लोग चल रहे हैं। और मेरा कोई भी अपडेट जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम बबलू खान 45 पे जाएं,
वहाँ अपडेट देखें, वहाँ से यूट्यूब पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलूंगा अभी छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू।